वीरा के मन में शक पैदा करेगा एक कॉल। रूही से अकेले बात करेगी अक्षरा की बेटी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड पर क्या कुछ होगा, चलिए बताते हैं। जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा से माफी मांगेगा। वह बेहद ही रोमांटिक अंदाज में अभीरा से अभीरा को मनाने की कोशिश करेगा। वह अभीरा के सामने अलग अलग भाषाओं में अपना प्यार का इजहार करेगा। इतना सब करने के बाद भी जब अभीरा नहीं मानेगी तब वह रात भर उसके घर के बाहर बैठ कर धरना देने का फैसला लेगा और अभीरा को अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन पिघलने लगेगा। वह अरमान को खाना देने की बात कहेगी। हालांकि माधव अभीरा को रोक लेगा। वहां पर वह जब तू भूखी थी तब वो आया था क्या तेरे पास, और नहीं ही ना तो वो रूही और के साथ सगाई कर रहा था वहां पर। इसके बाद इससे पहले अभीरा कुछ कहे एक बार फिर अरमान घंटी बजाना शुरू कर देगा और अरमान की जिद के आगे माधव भी हार मान जाएगा और वह दरवाजा खोलेगा और देखेगा अरमान के हाथ में सूटकेस लेकर आया है और वह हैरान रह जाएगा। अरमान अभीरा से कहेगा कि तुम्हें नए कपड़े देकर ही मैं समझ गया था कि तुम्हारा सामान बस में छूट गया है और तुम्हारी बस में बारात को क्रॉस किया था ना। और अभीरा हैरान रह जाएगी कि मतलब अरमान कहेगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया था, मुझे पता था कि तुम उसी बस में हो और तुम्हें मेरे वहाँ होने का एहसास हुआ था ना। अभीरा इमोशनल हो जाएगी। तब अभीरा अरमान को फ़ोन पर क्रैश को कॉल करेगी और कहेगी कि मतलब क्रैश मनीषा मनोज और कियारा और आर्यन स्पीकर पर विद्या दादी सफूपस और काजल के सामने अरमान बात करेगा और माधव अरमान के से फ़ोन लगाएगा और मनोज से कहेगा कि अभीरा उस घर में वापस नहीं आएगी। मेरी बेटी मेरे साथ उदयपुर में ही है और वह यहीं रहेगी। जहाँ पर आपसे बता दें कि विद्या माधव से बात सुनने के बाद हैरान रह जाएगी और मतलब दादी से कहेगी कि माधव जी और उदयपुर में ही हैं और उन्हें हमें मतलब बताया तक नहीं और उन्होंने परिवार को नहीं बताया और अभीरा को चुना है। अभीरा और अरमान वहां पर अरमान ने भी अभीरा को चुना है और इधर विद्या रोने लगेगी। उधर अभीरा माधव को विद्या के पास भेजने की कोशिश करेगी लेकिन हालांकि माधव नहीं मानेगा और इसके बाद अभीरा माधव से छिप कर अरमान को खाना देगी और अरमान माधव की गैर मौजूदगी में अभीरा के साथ रोमांस करेगा और अभीरा दो पल के लिए खुश हो जाएगी लेकिन जैसे ही अरमान के मुंह में दादी का नाम निकलेगा अभीरा दूर भाग जाएगी और वह रूही को कॉल करेगी और उससे बात करेगी और रूही अभीरा से पूछेगी कि अभीरा एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम अरमान खुश रहोगे। और रूही का सवाल सुनते ही अभीरा सोच में पड़ जाएगी। जहां पर आपसे ये बता दें कि वो भी अब सोच रही है कि क्या अभीरा मतलब मैं और अरमान खुश रहेंगे कि नहीं या फिर वो फिर से एक बार दादी सा के कहने पर मुझे छोड़ देगा। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला उसे देखने के लिए। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक बाय बाय।